हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आयरन सल्फर प्रोटीन्स। आयरन सल्फर प्रोटीन्स से कई बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, तो चलिए इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रुबिडोक्सिन क्या होता है, रुबिडोक्सिन के साथ फेरिडोक्सिन, फेरिडोक्सिन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, टू आयरन टू सल्फर प्रोटीन्स होते हैं, फोर आयरन फोर सल्फर प्रोटीन्स होते हैं, थ्री आयरन फोर सल्फर प्रोटीन्स होते हैं। इनके सभी के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सभी के फंक्शन क्या होते हैं और क्या इनके बारे में ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमको जानना चाहिए, जो एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोर्थ वीडियो लेक्चर है और आयरन सल्फर प्रोटीन्स के बारे में क्या कहा जाता है। सबसे पहला कि यहाँ पर हमको आयरन सल्फर क्लस्टर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? आयरन सल्फर क्लस्टर, आयरन और सल्फर का एक क्लस्टर बनता है यहाँ पर। दूसरी बात, आयरन सल्फर प्रोटीन्स के अंदर डाई ट्राई एंड टेट्रा टेट्रा आयरन सेंटर्स हो सकते हैं, आयरन सेंटर्स आर प्रेजेंट। कितने? दो तीन या चार। अभी जैसे मैंने आपको गिना है फेरिडोक्सिन के, टू आयरन टू सल्फर, दो आयरन सेंटर प्रेजेंट हो गए, फोर आयरन फोर सल्फर, फोर आयरन सेंटर्स प्रेजेंट हो गए, थ्री आयरन फोर सल्फर, थ्री आयरन सेंटर्स प्रेजेंट हो गए। तो डाई ट्राई टेट्रा फॉर्म में ये अवेलेबल हो सकते हैं। अगली बात, ये कहाँ रोल प्ले करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन सल्फर प्रोटीन्स के लिए प्ले रोल इन रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कहां पर? ठीक है, इनका रोल कहां पर होता है? रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में होती है वहां पर इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। नंबर फोर, कुछ आयरन सल्फर प्रोटीन्स जो होते हैं, सम आयरन सल्फर प्रोटीन्स रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट करते हैं कुछ आयरन सल्फर प्रोटीन्स एक्सप्रेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल वर्क है ये। अगली बात, जो दो इंपॉर्टेंट आयरन सल्फर प्रोटीन्स है वो क्या है? टू आयरन सल्फर प्रोटीन्स आर, मेजर क्लासिफिकेशन में यहां पर बता रहा हूं। नंबर वन तो हमारे पास क्या है? रुबिडोक्सिन, और नंबर टू है हमारे पास फेरिडोक्सिन। रुबिडोक्सिन एंड फेरिडोक्सिन, रुबिडोक्सिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या फैक्ट्स होते हैं, अब मैं ये डिस्कस करने वाला हूं। ये आप अपने पास कॉपी कर लें, मैं जो आपको बताते जा रहा हूं डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कॉपी करते जाओ, अपने पास एक नोट्स बनाते ही जाओ। चलिए इसको इरेज करता हूं। सबसे पहला आयरन सल्फर प्रोटीन हम जो देखने जा रहे हैं वो है रुबिडोक्सिन। देखो रुबिडोक्सिन के क्या फैक्ट्स हैं। सबसे पहला कि ये तो एक लो मॉलिक्यूलर वेट वाला आयरन सल्फर प्रोटीन है। जितने भी आयरन सल्फर प्रोटीन है उसमें से ये सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट वाला, इट हैज लो मॉलिक्यूलर वेट इन कंपैरिजन टू अदर आयरन सल्फर प्रोटीन्स। क्लियर है? आयरन सल्फर प्रोटीन जितने भी होते हैं उसमें सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट वाला कौन है? रुबिडोक्सिन है। दूसरी बात, ये एक बैक्टीरियल प्रोटीन होता है। क्या होता है? अ बैक्टीरियल बैक्टीरियल प्रोटीन। ठीक है, और ये क्या काम करता है? इट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगली बात, अब इसमें जो आयरन मेटल होती है, आयरन मेटल इज कोऑर्डिनेटेड बाय फोर सल्फर एटम्स ऑफ सिस्टीन। सल्फर एटम किसके? सिस्टीन एमिनो एसिड के जो सल्फर्स होते हैं उनसे ये बॉन्ड बनाता है आयरन। जब फोर सल्फर से ये बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेटेड होता है, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इट हैज
रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका आता है। अब इसमें एक ही मेटल होती है तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इट परफॉर्म वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस को ये परफॉर्म करता है। एक ही इसके अंदर मेटल होते हैं। चलो इसको, ये जो फैक्ट्स हैं ये आप कॉपी कर लो अपने पास, फिर मैं यहां पर इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। स्ट्रक्चर बना करके फिर हम ऑक्सीडाइज्ड रुबिडॉक्सिन और रिड्यूस्ड रुबिडॉक्सिन में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो यहां पर डिस्कस करता हूं। मैं इरेज कर रहा हूं। आइडियल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमको बनाना है। देखो ये हमारे पास है आयरन, क्लियर है, आयरन से जुड़ा हुआ ये एक सल्फर जो कि किसका सल्फर है, सिस्टीन का, सिस्टीन का सल्फर है। ऐसे ही एक ये सल्फर है जो सिस्टीन का ही है, सिस्टीन, ठीक है। एक ये सल्फर है जो कि अपने सिस्टीन का है और एक ये सल्फर है जो कि अपने सिस्टीन का है, ठीक है। अब ये बन गई इसकी एक रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री क्या है इसके पास? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब यहां पर देखो, अभी इस स्ट्रक्चर के बाद मैं कंपेयर करने जा रहा हूं आयरन का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म या रुबिडॉक्सिन का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं रिड्यूस्ड फॉर्म। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों की यदि हम बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। रिड्यूस्ड फॉर्म भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यदि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की हम बात करें तो आयरन मेटल, आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, जबकि यदि हम रिड्यूस्ड फॉर्म की बात करें तो आयरन सेकेंड ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में होती है। यहां पर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, LMCT होता है, इसलिए इसका कलर रेड आता है। क्या कलर आता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का? रेड कलर। किसके कारण? LMCT के कारण। सल्फर से आयरन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है या चार्ज का ट्रांसफर होता है, इसलिए यहां पर LMCT होता है और इसके कारण रेड कलर आता है। ये यहां पर कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होता इसलिए ये इंफ्रारेड रीजन में आता है, मींस इनविजिबल है हमारी आंखों के लिए, ये कलरलेस है, कलरलेस, ठीक है। ये सारा कंपैरिजन हो गया और सारा डाटा हो गया हमारे पास रुबिडॉक्सिन का, जो कुछ हमको सीखना था, स्ट्रक्चर क्या है, आयरन मेटल कौन सा सेकंड ऑक्सीडाइज्ड है, कौन सा थर्ड ऑक्सीडाइज्ड है, क्या सारा कुछ इसमें है वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब मैं बात करता हूँ फेरिडॉक्सिन की, तो सबसे पहले इसको इरेज करता हूँ फिर फेरिडॉक्सिन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फेरिडॉक्सिन भी आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। यदि इसके क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट मेजर थ्री फेरिडॉक्सिन टाइप्स होते हैं। एक है हमारे पास टू आयरन टू सल्फर फेरिडॉक्सिन, दूसरा है हमारे पास फोर आयरन फोर सल्फर फेरिडॉक्सिन और एक है हमारे पास थ्री आयरन फोर सल्फर फेरिडॉक्सिन। एक एक को हम लेते हैं, सभी को हम स्टडी करना चाहते हैं। सबसे पहला टू आयरन टू सल्फर प्रोटीन, या इसको हम Fe2S2 फेरिडॉक्सिन भी कहते हैं, फेरिडॉक्सिन, ठीक है। तो Fe2S2 फेरिडॉक्सिन की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या इसके फैक्ट्स हैं, सबसे पहले वो हम यहां डिस्कस करते हैं। नंबर वन, सबसे पहली बात तो ये है कि वेरी एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर, जो Fe2S2 फेरिडॉक्सिन है इसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होता है। दूसरी बात, यहां पर जो आयरन मेटल होता है, ईच आयरन आयरन एटम इज बॉन्डेड टू, बॉन्डेड स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, बॉन्डेड टू टू सल्फर एटम ऑफ सिस्टीन एंड टू ब्रिजिंग, बनाता हूं अभी इसका स्ट्रक्चर भी मैं, ब्रिजिंग सल्फर आयन्स, सीधा सल्फर लिख देता हूं, सल्फर आयन्स, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो, ये एक आयरन ये दूसरा आयरन, एक
सल्फर, ये दूसरा सल्फर, ये जो ब्रिज के फॉर्म में है, एक वेज पर एक डैश पर, और ये सल्फर जो सिस्टीन से जुड़ा हुआ है, सल्फर जो सिस्टीन से जुड़ा हुआ है, इधर भी ऐसा सेम टू सेम, सल्फर सल्फर सिस्टीन सिस्टीन, बहुत आसान से इनके स्ट्रक्चर हैं। ये हो गया हमारा Fe2S2 फेरिडॉक्सिन, क्लियर है। अब इसके स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो आयरन एटम सेंटर में है, ये सेंट्रल एटम है हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर या इसका जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड, इधर लिख देता हूं मैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब मैं बात करता हूं इसके ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म की, तो पहले आप इसको कॉपी कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या चेंजेस है, क्या आयरन मेटल जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है। अब देखिए, एक ऑक्सीडाइज्ड टू आयरन टू सल्फर प्रोटीन वन इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस्ड टू आयरन टू सल्फर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे, देखो यहां पर लिख करके मैं बता देता हूं, ये ऑक्सीडाइज्ड है, ऑक्सीडाइज्ड टू आयरन टू सल्फर प्रोटीन, या इसकी जगह मैं फेरिडॉक्सिन लिख दूं तो अच्छा रहेगा, फेरिडॉक्सिन क्या करता है, वन इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में, रिड्यूस्ड Fe2S2 फेरिडॉक्सिन, ठीक है। अब यहां पर फैक्ट बात क्या है, जानने लायक बात क्या है, जानने लायक बात यह है कि जो दो आयरन है सल्फर से जुड़े हुए, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है दोनों की ही थर्ड होती है, कितनी होती है, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं दोनों ही सेंटर एटम्स, ठीक है। जब ये वन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एक जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल करके सेकंड हो जाती है, क्या हो जाती है, सेकंड, एक की तो थर्ड ही रहती है, एक की क्या हो जाती है, सेकेंड हो जाती है, तो इसको हम कह रहे हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, इसको हम कह रहे हैं रिड्यूस्ड फॉर्म। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है ये कॉम्प्लेक्स तो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये बात ध्यान रखने की है कि कितने एटम्स ऐसे हैं या सेंटर एटम्स ऐसे हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है, किसमें, यदि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की बात करें तो दोनों एटम की प्लस थ्री है, जबकि रिड्यूस्ड में एक एटम की प्लस थ्री और एक एटम की क्या है, सेकेंड है। चलो आगे बढ़ता हूं, अब दूसरे पर आ रहा हूं, दूसरा हमारा कौन सा है, आयरन सल्फर प्रोटीन या फेरिडॉक्सिन, दूसरा है फोर आयरन फोर सल्फर फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन, या इसको हम और क्या कह सकते हैं, Fe4S4 फेरिडॉक्सिन भी कह सकते हैं, नाम में क्या रखा है भाई, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो इस टाइप से। चलिए बात करते हैं इसके कुछ फैक्ट्स की, तो सबसे पहला फैक्ट तो यह है कि इट हैज क्यूबेन टाइप स्ट्रक्चर, क्यूब टाइप स्ट्रक्चर है इसका, क्यूबेन टाइप स्ट्रक्चर, बनाता हूं मैं इसका स्ट्रक्चर, आपको देखने में समझ में आ जाएगा क्यूब कैसा होता है। देखो अल्टरनेट आपको जुड़ना है आयरन और सल्फर, ठीक है, ये आयरन ये सल्फर, ये आयरन ये सल्फर, देखो अब क्यूब टाइप बना रहा हूं मैं इसको, ये आयरन है ये सल्फर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, ये सल्फर है यहां पर क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, यहां पर ये आयरन है तो यहां पर क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, इनको भी इंटरकनेक्ट कर देता हूं, ये बन गया क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अल्टरनेटली कॉर्नर्स पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर आयरन और सल्फर एटम्स प्रेजेंट है। अब ये जो आयरन है एक एक सल्फर सिस्टीन के भी जुड़े हुए हैं, ये आयरन सल्फर सिस्टीन का, ये आयरन सल्फर सिस्टीन का, ये आयरन सल्फर सिस्टीन का, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया मेरे पास Fe4S4 फेरिडॉक्सिन का, ठीक है। अब इसके थ्री ऑक्सीडाइज्ड स्टेट होते हैं या थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये रह सकता है, सुपर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म, या सुपर रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसको इरेज करता हूं फिर बताता हूं क्या पिक्चर है, क्या कहना चाहता हूं मैं, इट एग्जिस्ट या मैं लिख देता हूं Fe4S4 फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन एग्जिस्ट इन थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट्स,
थ्री डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। क्या है वो थ्री डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स? चलो ऐसा नहीं बताता मैं इसको, ऐसा बताता हूँ कि ये Fe4S4 16 हमारे पास 4 है यहाँ पर, और ये हो गया -1 -1, ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म या सुपर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में इसको कहूंगा, सुपर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, सुपर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, 1 इलेक्ट्रॉन जब इसने गेन किया तो क्या बन गया, ये Fe4S4 sulfur 16 4 -2 में कन्वर्ट हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कॉम्प्लेक्स -2 में कन्वर्ट हो गया, इसको मैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, उसको मैंने क्या कहा? सुपर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो अब जो आएगा उसको क्या कहूंगा मैं? रिड्यूस्ड फॉर्म। देखो एक और इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो +2 से -2 से क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी, Fe4S4 sulfur 16 4, और इस पर कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आ जाएगा -3। ये जो है इसको मैं कह रहा हूं रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म इसको मैं कह रहा हूं। देखो यदि उल्टा लिखना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा सुपर रिड्यूस्ड, सुपर रिड्यूस्ड। यदि रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी तो क्या होगा? सुपर रिड्यूस्ड, ये हो जाएगा रिड्यूस्ड और ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है? ये नाम इसके हो सकते हैं या इनके फॉर्म हो सकते हैं अलग अलग। अब आखिरी वाला जो बचा हुआ है हमारा 3 iron 4 sulfur प्रोटीन, उसको देखते हैं। थर्ड है फेरिडॉक्सिन का टाइप 3 iron 4 sulfur फेरिडॉक्सिन, ठीक है, या इसको Fe3S4 फेरिडॉक्सिन भी कहेंगे। और फेरिडॉक्सिन, सबसे पहला फैक्ट इस प्रोटीन के बारे में क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि जो 3 iron फेरिडॉक्सिन है, 3 iron center फेरिडॉक्सिन was first recognized in nitrogen fixing bacterium, कौन? एजिटोबैक्टर bacterium, ठीक है, ये सबसे पहली बात। अब इसके स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूं तो एक कॉमन सल्फर होता है इसके अंदर, एक तो क्या है? कॉमन सल्फर। आगे बढ़ता हूं, ये आयरन सेंटर हो गया एक, ये आयरन सेंटर हो गया दो, ये आयरन सेंटर हो गया तीन, तीनों आयरन सेंटर मैंने यहां पर लगा दिए। ये जो 3 iron है एक एक सल्फर से भी जुड़े हुए हैं, कौन से? 16 वाले, एक एक सल्फर से जुड़े हुए कौन से? 16 वाले, एक एक सल्फर से जुड़े हुए कौन से? 16 वाले, ठीक है। अब इन दोनों आयरन सेंटर के बीच में एक सल्फर आयन का ब्रिज भी होता है, ये मैंने बना दिया, ठीक है, थोड़ा इसको सीधे बना देता हूं, ठीक। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर, किसका? Fe3S4 का स्ट्रक्चर, फेरिडॉक्सिन 3 iron 4 sulfur फेरिडॉक्सिन का स्ट्रक्चर। अब इसके फैक्ट्स के बारे में मैं यहीं पर साइड में और लिख देता हूं, ये जो प्रोटीन है इसके बारे में। सबसे पहले तो इसको थायोक्यूबेन भी कहते हैं, थायोक्यूबेन स्ट्रक्चर रखता है। कैसा स्ट्रक्चर है इसका? थायोक्यूबेन स्ट्रक्चर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें जो तीनों आयरन है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म 3 iron atoms या आयंस प्रेजेंट इन +3 oxidation state। तीनों के तीनों जो आयरन है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 oxidation state में। जबकि इसका रिड्यूस्ड फॉर्म जब होता है, इन रिड्यूस्ड फॉर्म 2 iron 2+3 में होते हैं, जबकि 1+2 oxidation state में चला जाता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एक आयरन किस में चला जाता है? +2 oxidation state में चला जाता है। इसको EPR एक्टिव भी माना जाता है इस कॉम्प्लेक्स को। कौन सा? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो इसका है वो क्या होता है? EPR एक्टिव भी होता है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई अब मेरी फेरिडॉक्सिन के बारे में, ठीक है।
तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको लग रहा हो मैं मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए, तो वीडियो को लाइक तो करिए भैया, लाइक करना बहुत ज़रूरी है आपका वीडियो को। कमेंट करिए यदि कोई पार्ट, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई मैंने मिस्टेक कर दी, करता रहता हूँ मैं, आप मुझे बताते भी रहते हैं, आप बताएं मुझे यदि कोई मिस्टेक है तो वो भी बताएं, कोई आपका अच्छा लगा तो बताएं, बुरा लगा तो बताएं, क्या आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।